Thank you. हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे तो चलिए फ्रेंड्स मैं रा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि पूसा बिहार में स्थित है उसी का स्टू जी स्टूडेंट हो जो थर्ड ईयर कंप्लीट करने जा रहा हूँ ठीक है तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो आपका बहुत ही ज़रूरी है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आई का जो रिजल्ट है वो र, जारी करने के बाद इस बार थोड़ा सा चेंजेस हुआ है चेंजेस हुआ ये हुआ है कि आपका लास्ट ईयर जो पेपर था इसका आपको जो रिजल्ट आया था उसको आपका आया था स्कोर और रैंक कार्ड जो है वो दोनों जारी कर दिया गया था लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया हुई है ठीक है वो क्या होती है वो भी हम बताएंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको रिक्वायर्ड होगी वो सब बात करेंगे और काउंसलिंग होती क्या है ये सब हम टॉपिक भी इस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट है कि सर मेरे परसेंटाइल कम आ रही है तो क्या मेरा जो है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ठीक है या मेरे फिफ्टी आ रहा है सिक्सटी आ रहा है नाइन्टी आ रहा है नाइन्टी थ्री तो मेरा रैंक क्या होगा ठीक है तो देखिए स्टेंट जो भी हम मेजर डाटा ले रहे हैं एक फॉर्मूला के द्वारा लेकिन वो गलत भी हो सकता है ठीक है लेकिन आपको उस पर एक आइडिया लग जा सकता है कि हाँ इतना कि उपरोक्त हमारा होना चाहिए लेकिन यदि एनटीए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया करती है मान लीजिए कि पेपर आपका सेवन एट या नाइन ठीक है तो इसको हुआ तो मान लीजिए कि सेवन को पेपर हार था ठीक है तो आपके परसेंटाइल आपको जो है कमी आई होंगी आपके सिक्सटी एट सेवेंटी या एटी ठीक है आपके एटी मान लीजिए आपका 70 आया 75 फाइव आया तो ये सब डाटा है ये मान लीजिए कि आपके परसेंटेज कम आए ठीक है तो आपका रैंक है यदि आई सी आर एन टी ए जो है आई सी आर का ठीक है यदि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को आपको लेता है तो आपका 70 पे भी एक अच्छा रैंक देगा क्योंकि आपका आ, पेपर था वो और पेपर्स के अलावा हार्ड था इसलिए आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं है किसी भी स्टूडेंट को क्योंकि ये सभी जो डिपेंड है वो आपका मेरिट लिस्ट पर ही डिपेंड होगा क्योंकि एन की ऑफिशियल साइड में लिखा हुआ है कि आपका मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद ही काउंसिलिंग स्टार्ट होने वाला तो इसमें पैनिक होने की कोई आपको आ, इजली आपको जो है रिलैक्स होना होगा ठीक है वेट करना होगा जब तक आपका जो है मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर दिया जाए उसी के बेसिस आपको जो है कोर्स डिसाइड किया जाएगा कि आपको एक ए, कम परसेंटेज में भी एक अच्छा रैंक मिल सकता है क्योंकि आपका पेपर हार्ड होने की वजह से ठीक है तो डियर ये हुआ आपका आ, ए, जो है बात हुआ कि आपका जो है रैंक किस तरह से होगा तो आपको एक वो मेजर आइडिया ले सकते हैं लेकिन वो आपकी एक्चुअल नहीं है बाद में आप यूट्यूब पे कहो कि सर वो वो आपने गलत डाटा दिया लेकिन वो एक मेजर आइडिया है वो आपका कंफर्मेशन नहीं है हम बार बार यही बोल रहे हैं आपका जो फाइनल जो होगा वो आपका मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद में आपका पता चलेगा कि एन क्या देता है ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस है वो ए, क्या होता है ठीक है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे क्योंकि काउंसलिंग के वक्त और आपको जब कॉलेज अलाउट होगा मान लीजिए आपको कॉलेज अलाउट हुआ जैसे अपने स्टेट से बाहर हुआ तो कौन कौन से जो है मान लीजिए राजस्थान के या बिहार के आपको कहीं अनदर स्टेट में आपको जो है कॉलेज अलाउट हुआ या सीट अलाउट हुआ है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी ठीक है उसके बाद भी आपको काउंसलिंग प्रोसेस कैसे करवाना क्योंकि हमारी टीम भी लास्ट ईयर भी काउंसलिंग की थी और इस बार भी काउंसलिंग करने वाली है हालाँकि हम फ्री गाइडलाइंस देंगे काउंसलिंग के लेके जिसका लिंक हम टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिया और व्हाट्सअप जो नंबर है उसका भी हम नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डालें वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या काउंसलिंग होता है इन सब की बात करेंगे तो आपको जो है ये डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी कर लेना है ठीक है यही डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे ठीक है यदि फिर भी आपको कुछ लगता है यदि कोई नया एन के द्वारा डॉक्यूमेंट्स लिस्ट जारी किया जाता है तो आपको अपडेट है वो करा दिया कर दिया जाएगा ठीक है तो ये डॉक्यूमेंट्स है आपको कॉलेज अलाउट होने के पह, बाद में और आपको जो है आपको काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड होगा ठीक है कुछ चेंजेस होगा जैसे काउंसिलिंग लेटर है इन सब का आपको जब जब भी कॉलेज अलाउट होगा जब आपको सबमिट करने होंगे ठीक है और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल होने चाहिए ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करते हैं तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं की बात कर लेते हैं तो चलिए फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले कैंडिडेट है अपलोड फॉलोइंग क्या क्या करना होता है काउंसलिंग प्रोसेस में द कैंडिडेट है अलॉटमेंट ऑफ सीट ठीक है आपको जो है सीट uh, अलॉट होने के बाद में आपको uh, आपको जो है ये ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे ऑनलाइन फॉर्म में भी और आपको जब भी कॉलेज में बुलाया जाएगा फिजिकली बुलाया जाएगा तब भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स है वहां पर वेरीफिकेशन करने होंगे ठीक है उसके बाद में आपका काउंसलिंग काउंसलर है जो भी आपका आई आई सी आर काउंसलिंग होता है या जो भी uh, जिस भी कॉलेज में काउंसलर होते हैं जो आपके डोरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफिकेशन करेंगे उसके बाद में आपको जो है यूनिवर्सिटी ई मेल पर आपको कुछ जो है आपको लोकेशन मिल जाएगा जिस भी आपको मतलब मैसेज भी आ सकता है या ई आपको आ जाएगा कि जो भी आपको कॉलेज अलाउट होता है आपको बहुत से स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर कॉलेज कैसे हमको पता चलेगा तो आपको आई सी आर के ऑफिशियल साइट पर और आपको ई मेल भी वो कर दिया जाएगा ठीक है स्टूडेंट अब बात करते हैं कि कौन कौन सा आपको रिक्वायर्ड होगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा तो ये आप सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें जिसके भी अच्छे परसेंटाइल है या अच्छी रैंक है अभी मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ जारी होने के बाद में आपका ये डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होगा ठीक है तो उसके सबसे पहले है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए टेंथ का मार्कशीट आपके पास होगा और ये ओरिजिनल ही होना चाहिए ठीक है ट्वेल्थ का मार्कशीट होगा आपका एडमिट कार्ड जिस भी स्टूडेंट के पास एडमिट कार्ड नहीं है प्लीज वो अपना अप्लीकेशन फॉर्म से एडमिट कार्ड निकाल लें ठीक है क्योंकि आदमी आगे कॉलेज जब अलॉट होगा तो आपको एडमिट कार्ड है अपलोड करना पड़ सकता है टी की बात की जाए टी सी ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो ये आपको कहाँ से सबको पता है कि आपको जैसे ही स्कूल से आप कंप्लीट करते हो स्कूलिंग कंप्लीट करते हो तो आपको टी दिया जाता है ठीक है उसके बाद में कंफर्मेशन ऑनलाइन जो आपका अपलीकेशन फॉर्म था उसका रिक्वायर्ड होगा आपको कॉपी रख लेना है ठीक है एडमिट कार्ड का भी और आपको आ, जो है अपलीकेशन ऑनलाइन अप्लीकेशन जो आपको इसमें जो आपका अपलीकेशन लॉगिन नंबर है जो भी आपका वो आपका रेडी रखे ठीक है ठीक अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है क्या लगे उसके बाद काउंसलिंग लेटर ये आपको जो है जब सीट अलॉट होगा तभी चाहिएगा आपको काउंसलिंग में ये नहीं चाहिएगा सभी बहुत से स्टूडेंट का डाउट होता है ठीक है अलॉटमेंट लेटर ये भी आपको काउंसलिंग के बाद ही आपको जब सीट अलॉट होगा तभी आपको उसका ज़रूरत होगा उसके बाद में ये भी आपको जो है प्रोविजनल एडमिशन लेटर है ये भी आपको जो है ऑफिशियल साइट में बाद में मिलेगा अब ये बात करते हैं आपको मिलेगा कहाँ जब भी आपका जो है आई सी आर काउंसिलिंग प्रोसेस से आप गुजरोगे तब आपका जो है ऑफिशियल साइट जो भी आप अपना लॉग इन करोगे नंबर जो भी है आपका वहाँ पर आपको ये सब मिल जाएगा दिया मिलेगा ठीक है उसके बाद में आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फोटो आप चार या आठ फोटोज है अपना जो भी अप्लीकेशन जो फॉर्म में लगवाए थे सेम टू सेम वही फ़ोटो आपको कलर फ़ोटो आपको आ, देना होगा ठीक है उसके बाद में डोमिनि जो भी आप जिस भी कैटेगरी से हैं ठीक है थीके? वो आप बना लें कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये कहाँ मिलेगा बहुत से स्टूडेंट का डाउट होता है तो ये आपको स्कूलिंग में ही मिल जाएगा ठीक है स्टूडेंट और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की बात की जाए तो ये भी आपको जो है मिल जाएगा और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि जाति प्रमाण पत्र हो गया आपका और ये डोमिनिसाइल हो गया ठीक है मूल निवास हो गया ये सब आप जो है बना और यदि आपको यदि कॉलेज अलॉट है वो स्टेट से बाहर होता है तो सेंट्रल कॉलेज और अपना स्टेट का है वो दोनों है वो बनवा लें ठीक है, है तो जाति प्रमाण पत्र हो गया मूल निवास हो गया ठीक है हिंदी में इसको ये बोलते हैं कि बहुत से स्टूडेंट यदि नहीं समझ में आता है तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया तो ये सब अपना है वो रेडी रखें आपको ये काउंसलिंग प्रोसेस में और काउंसलिंग प्रोसेस के बाद में ठीक है कौन कौन से कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग में जरूरत है काउंसलिंग के सीट अलॉट होगा तब कौन, -कौन सा आपको जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा इन सब का हमने बात कर लिया है अब बात करते हैं कि काउंसलिंग होता क्या है ठीक है अभी तक कोई जो है ऑफिशियल साइट पे जाके देखोगे तो आपका कोई डेट है वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है वो अनाउंस होने पे आपको बता दिया जाएगा ठीक है स्टूडेंट अब बात करते हैं हम कि काउंसलिंग होता क्या है उसमें होता क्या है ठीक है तो काउंसलिंग प्रोसेस में काउंसलिंग प्रोसेस में आपको जो है सीट अलो जैसे ही काउंसलिंग स्टेट हो आपको अपलिकेशन नंबर से लॉगिन करना है ठीक है उसके बाद में आपको जो है कॉलेज जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वेरिफिकेशन uh, करने होंगे वहाँ पे मान लीजिए कि ट्वेल्थ का मार्कशीट एलेवन्थ का मार्कशीट टेंथ का मार्कशीट ट्वेल्थ का मार्कशीट उसके बाद में आपको अपना नेम uh, सरनेम पापा का नाम मम्मी पापा जो भी आपका एड्रेस uh, वगैरह वो वेरीफिकेशन होता है उसके बाद में आपको जो है वहाँ का फीस uh, जो है देना पड़ता है आप दे सकते हैं ठीक है ठेके? उसके बाद में हम बात करें तो आपको कॉलेज uh, फिल करना होता है मान लीजिए आपको बी एस सी एग्रीकल्चर लेना है तो बी एस सी एग्रीकल्चर की टॉप कॉलेजेस को वहाँ पर आप जो है रिक्वायर्ड है आपको फिल चॉइस फिल करना है ठीक है इस तरह से आप हॉर्टिकल्चर सेरीकल्चर बी टेक और जो भी है है, आपका साइंस वो सब फील करने ठीक है थीके? ये सब हम आपकी बहुत हेल्प करेंगे ठीक है यदि आप हमारे से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं ठीक है हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं और अपना बेस्ट कॉलेज लेना चाहते हैं बेस्ट स्कोर के साथ ठीक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है ठीक है टेलीग्राम लिंक दिया है वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर भी दिया है व्हाट्सएप आप मैसेज करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ठीक है तो थैंक यू डियर यदि फिर भी आपको कोई डाउट्स होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके हमें पूछ सकते हैं या हमारे जो है कॉमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं और ठीक है डियर तो आपको मिलते हैं नई अपडेट के साथ यदि कोई आशीयर का नया अपडेट आता है तो हमको आपको बता देंगे लेकिन आप आई सी आर का जो रैंक आप निकाल रहे हैं ठीक है ये एक्चुअल रैंक नहीं है आपका क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से एन टी ए जो है अलग ही अपना रैंक देगा तो उस पर ही बिलीव करें ठीक है तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ बाय बाय थैंक यू